तहसीन पेश करता हूँ। आपने सहाफ़ी बिरादरी के हकूक के लिए जो सर पे कफन बांध कर और ईमन के अपनी जान देने पे अभी आपने ऐलान कर दिया और उनके हकूक की जंग लड़ी और लड़ रहे हैं, उस पे हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे दोस्त आपके पास भी पहुँचे खराज तहसीन के लिए और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे मॉरली भी और प्रैक्टिकली। मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तियार भाई, आपकी मुल्तान तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं भी आपकी खिदमत में कराची प्रेस क्लब हाज़िर हुआ था और आपने बहुत मेहरबानी की कि हमारी दरख्वास्त पर ख़ुदकुशी का ऐलान वापस किया। और ख़ुसूसन हमने तो ये भी पेशकश की कि आप कराची तर्क करके मुल्तान आ जाएं और मुल्तान में क्याम करें। तो मुख्तियार भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आप हमेशा मोहब्बतें देते हैं। और बहुत शुक्रिया मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तियार भाई, आपका आना हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप हमारे मदीनत अलौलिया के शहर में तशरीफ़ लाए, वेलकम जी एन खुश आमदे। आपने जो इकदाम उठाया कि गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देमसेल्फ्स, जो अपनी मदद आप करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है, आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया पूरे मीडिया में और पूरे पाकिस्तान में कि आपने मनवा लिया। जो आपने कहा कि अगर मेरा मुतालबा ना माना गया तो मैं जो आखिरी हद है खुदकशी की वो भी कर जाऊँगा। वैसे खुदकशी हराम है, लेकिन आपका हौसला देखते हुए दिली तौर पर आपका कद और बढ़ गया है मेरे नज़र में। और उन साफियों से मेरी गुजारिश है जो अपने आप को साफी समझते हैं लेकिन डटते नहीं हैं, आप डट गए हैं, आपको सलूट पेश करता हूँ और मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। और आपकी जाय जहाँ आपको हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे।